स्टूडेंट, स्वागत है आज आपका डीजे 1411 क्लासेस में। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था फ्रैक्शन क्या होता है, और उसमें पढ़ा था कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशन का सेकंड पार्ट, सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। आप प्रीवियस वीडियो में जाके एडिशन का देख सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब समझते हैं कि सबट्रैक्शन क्या होता है। तो डेफिनेशन थ्रू समझते हैं। टू सॉल्व द सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस वी यूज द मेथड विच वी यूज्ड इन एडिशन। द डिफरेंस इज ओनली दैट वी यूज नेगेटिव साइन इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव साइन। इसका क्या मतलब ये है कि सबट्रैक्शन में लोग क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, सबट्रैक्शन का, सबट्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं। इसमें पॉजिटिव साइन भी हो सकता है और नेगेटिव साइन भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे समझते हैं कि आज हमारे पास इसमें भी थ्री पार्ट्स है, एक अनइक्वल डिनोमिनेटर, इक्वल डिनोमिनेटर, मिस्ड विद इक्वल डिनोमिनेटर, मिस्ड विद अनइक्वल डिनोमिनेटर। तो मैं मिस्ड विद इक्वल डिनोमिनेटर नहीं समझा कि सीधे सीधे समझाऊंगा मिस्ड विद अनइक्वल डिनोमिनेटर, क्योंकि वो सब कुछ उसी में आ जाएगा। अब जैसे फर्स्ट लेते हैं अनइक्वल डिनोमिनेटर। अब अनइक्वल डिनोमिनेटर में क्या है, 2/3 माइनस के 1/2। तो जैसा आपने देखा था एडिशन में कि हमने क्या करा था कि जब डिनोमिनेटर अनइक्वल होता है तो हम लोग क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे। किसके लेते थे, एलसीएम लेते थे। लेकिन यहाँ पे दो नंबर प्राइम है तो मैं एलसीएम सीधे हम क्या कर सकते हैं, ओरली भी ले सकते हैं। किस तरीके से, 3 × 2 = 6, क्योंकि दोनों नंबर क्या प्राइम नंबर जो अपने टेबल में आते हैं, इसलिए हमें इसका एलसीएम करने की जरूरत नहीं है। 3 के टेबल में क्या आता है, 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स आता है। तो 2 × 2 = 4। कैसे, 3 का डिवाइड हमने करा 6 से, निकल के आया 2, और 2 का मल्टीपल हमने करा किससे, ऊपर आया न्यूमरेटर से 2 से, तो 2 × 2 = 4। माइनस का साइन लगाया हमने जो टेस्ट। अब 2 का डिवाइड हमने करा 6 से, 3 सा, क्योंकि 2 टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार आता है, तो 3 आ गया। अब 3 का मल्टीप्लाई हमने किससे करा, 1 से करा, 3, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं किससे, जो हमारा एलसीएम आया है, जो आंसर निकल के आएगा उसका मल्टीप्लाई हम करते हैं न्यूमरेटर से, ठीक है, ओके। अब जैसे 4 में से 3 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 1, और एज इट इज 6 क्या हो गया, कॉपी हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 1/6। ये किसका था, अनइक्वल डिनोमिनेटर का था। जब इक्वल, जब डिनोमिनेटर क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, किस केस में, माइनस के केस में। अब जैसे समझते हैं मिक्स्ड विद अनइक्वल डिनोमिनेटर, मिक्स्ड है और साथ में क्या, अनइक्वल है, साथ में क्या, अनइक्वल है। तो पहले हमें क्या करना होगा, मिस्ड को सबसे पहले चेंज करना होगा इसमें फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, 2 × 9 = 18, और 18 का प्लस करेंगे 2 में, तो क्या हो गया, 20/2, क्या हो गया, 20/2। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 4 में, 3 × 4 = 12, और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम, सॉरी 12 का प्लस करेंगे इसमें हम 2 में, तो 12 + 2 = 6, 14, 12 + 2 क्या हो गया, 40। अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या आते हैं, अनइक्वल है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, अनइक्वल है, तो उससे मेरे एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन एलसीएम हम उसको ओरल भी ले सकते हैं, क्योंकि एलसीएम में दोनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 × 3 = 6 हो गया। अब 2 के टेबल में 6 कितनी आता है, 3 टाइम्स आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम किसका, 20 का, तो 3 × 2 = 6 और 60 है उनसे क्या आंसर। 2 का डिवाइड हमने करा 6 से, 3 निकल के आया, 3 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 20 से कर देंगे, 3 × 2 = 0 और 3 × 2 = 6, माइनस का साइन लगाया। अब 3 का डिवाइड हम किससे करेंगे, 2 × 6 से करेंगे, तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। 3 का डिवाइड हम करेंगे 6 से, तो क्या निकलेगा, 2, क्योंकि 3 के डिवाइड 6 के द्वारा 2 टाइम्स आता है 2 सा, और 14 2 सा कितना होता है, 28, कितना 28। अब 60 में से 22 कर लीजिए माइनस, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, और 5 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, तो 42/6 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये किसका था, मिस्ड विद अनइक्वल डिनोमिनेटर। अब किस पे आते हैं, जब इक्वल डिनोमिनेटर हो, इक्वल डिनोमिनेटर में क्या होता है, लेकिन अब क्या हो गया, हमने पीछे डेफिनेशन में समझा था, हमने पीछे डेफिनेशन समझा था माइनस साइन और पॉजिटिव साइन, ये वही है कि हमारे पास माइनस भी है और पॉजिटिव भी है। तो अब कैसे करेंगे, सिंपल सा है, जबकि डिनोमिनेटर सारे सेम है तो सेम नंबर हमने ऐड कर दिया 7, और ऊपर वाला डिजिट एज इट इज ऐड कर देंगे, 4 − 2 + 3। अब 4 × 2 को माइनस करा, 2 आ गया, प्लस 3 एज इट इज ऐड कर दिया 7, तो 3 × 2 = 5/7 हो गया इसका आंसर। ये था सब्ट्रैक्शन का। प्रीवियस वीडियो में आप जाइएगा, उसमें आपको एडिशन का मिलेगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा इसका लिंक, ओके। और इससे पहले एक डली थी फ्रैक्शन का, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, उसका भी लिंक आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कमेंट आप इस नंबर पर कर सकते हैं, 9319850012, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। लेकिन अब आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा मल्टीप्लिकेशन का, जो होगा नेक्स्ट वीडियो में, मल्टीप्लिकेशन और देन डिवीजन, वो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज देखिएगा, थैंक यू।